2023 में सावन कब है और सोमवार व्रत 2023 में कब से कब तक रखे जाएंगे। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने जीवनसार चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोमवार कब से कब तक है और सावन का व्रत हम कब रखेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथियों, सावन का महीना देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस साल 19 वर्षों के बाद बेहद सुंदर, बेहद अच्छा संयोग बन रहा है। आमतौर पर सावन मास 30 दिनों का ही होता है, लेकिन इस बार अधिक मास पड़ने के कारण सावन महीना पूरे 59 दिनों का होगा। शिव भक्त इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार का व्रत रखकर महादेव को प्रसन्न करेंगे। साथियों, आषाढ़ मास की आषाढ़ एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का सारा कारोबार देवों के देव महादेव संभालते हैं। साथियों, इन 4 महीनों में से सावन मास 1 है। इस माह में की गई पूजा महादेव को अत्यंत प्रसन्न करती है। तो जानते हैं कि सावन मास कब शुरू हो रहा है, सावन सोमवार के व्रत कब रखे जाएंगे, किन कामों को करने से आपको शुभ फल मिलता है। सावन मास इस बार 4 जुलाई 2023 को शुरू होकर 31 अगस्त 2023 को सावन माह की समाप्ति हो रही है। साथियों, इस बार सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होगा। ऐसा खास संयोग 19 सालों के बाद आ रहा है। अब जानते हैं सावन सोमवार की व्रत तिथियां 2023 में कब है। सावन का पहला सोमवार है 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार है 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार है 24 जुलाई को, चौथा सोमवार है 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार है 7 अगस्त को, छठा सोमवार है 14 अगस्त को, सातवां सोमवार है 21 अगस्त को, आठवां सोमवार है 28 अगस्त को। साथियों, सावन का पूरा महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत इच्छा पूर्ति वाले माने जाते हैं। सावन महीने में शिव कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ काम हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। सावन मास शुरू होने के पहले ही घर की साफ सफाई कर ले। सावन महीने में सात्विकता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में घर में सारी जो तामसिक चीजें होती है उनको हटा देना चाहिए। सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए हमें गंगा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए गंगा जल की व्यवस्था पहले से ही करके रख ले। साथियों, सावन में शिव पूजा और शिव मंत्रों का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ती है, तो माला का प्रबंध पहले से ही करके रख ले। सावन के महीने में घर के मुख्य द्वार पर या घर के ईशान्य कोण में गंगा जल भरा कलश अवश्य रख ले। सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा आदि महादेव की सभी प्रिय चीजें एकत्रित करके रख ले। तो ये सारी तैयारियां हम पहले से ही करके रख ले। साथियों, वीडियो और जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फ्रेंड सर्कल को, फैमिली को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपसे मिस ना हो। हर हर महादेव। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस।